पता है अनन्या, कल आपकी मम्मा का इंटरव्यू है। मैंने तो अब तक तैयारी भी नहीं की है, शौर्य से भी नहीं बात हो पाई, अभी बात करती हूँ। हाँ बोलो वर्षा। क्या हुआ शौर्य, आप परेशान हैं? हाँ बहुत परेशान। एक तो इतना काम है, ऊपर से जमाइसा दफ्तर नहीं है। अरे एक बार फोन करके बताने की जरूरत तक नहीं समझी। शौर्य आपने नैतिक जी को फोन किया? सब ठीक तो है ना? मेरा मतलब है तबीयत वगैरह, वरना छुट्टी क्यों लेंगे? पर्सनल काम है वर्षा, और मैं फोन करके क्यों पता करूं? क्या उन्होंने फोन करके बताया कि मैं नहीं आ रहा हूं? अरे तंग आ गया हूं मैं सारे झमेले से, मन तो करता है कि बिजनेस अलग कर दूं। अरे शौर्य ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? आपने और नैतिक जी ने कितने मन से ये बिजनेस स्टार्ट किया है, उसे यहाँ तक लेके आए हैं और अब हिम्मत हार रहे हैं। अच्छा और वर्षा तुम क्या चाहती हो? मैं सारा काम भी करता रहूं और ताने भी सुनता रहूं? शौर्य अभी आप बहुत गुस्से में, इसलिए आपको ऐसे ख्याल आ रहे हैं। एक बार ठंडे दिमाग से सोचेंगे ना तो। देखो वर्षा मुझे कुछ नहीं सुनना है, जिसे देखो मुझे समझाने में लगा हुआ है। अभी सुबह काका और बाबूजी मुझसे कह रहे थे कि शाम को जमाईसा से मिलने जाना है, उससे बात करनी है, और अभी तुम मुझसे कह रही हो कि नहीं मुझे उन्हीं के साथ काम करना है। अरे मेरी अपनी कोई राय नहीं है, चुपचाप सबकी सलाह सुनता रहूं, मानता रहूं तो मैं ठीक हूं, कुछ कहूं तो मैं गलत हो जाता हूं। प्लीज वर्षा मेरा इस वक्त मूड बहुत खराब है, मुझे बात नहीं करनी है। बाय। हे भगवान, ये टेंशन तो खत्म होने के बजाय बढ़ती जा रही है। अगर शाम को ऐसे मूड में मिलेंगे तो पता नहीं क्या होगा। बस ईश्वर करे दोनों बच्चे अपने बड़ों की बातों को ठंडे दिमाग से सुने और एक दूसरे की तरफ से अपना मन साफ करें। आप देखिएगा दीदी ऐसा ही होगा। शौर्य क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है? तुझे तो बहुत तेज बुखार है। अरे अरे शौर्य। हाँ माँ सुबह से तबीयत ठीक नहीं है, पेट भी बहुत दुख रहा और दो बार उल्टी भी हो चुकी है। अरे ऐसे कैसे शौर्य, आप तो टिफिन लेके गए थे ना घर से। हाँ वर्षा लेकिन दोपहर में एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, उसी के ऑफिस में एक सैंडविच खा लिया था शायद। सुने ना मेरी अलमारी से दवाई का डिब्बा लिया। जी बेटा तू जानता है ना इस मौसम में बाहर का बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ओह जा तू जाके कमरे में आराम कर। वर्षा तू भी साथ जा, उठ उठ आराम से। चलिए शर ध्यान से बेटा। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। माँ अब क्या करें, इस हाल में तो शौर्य को ले जाना ठीक नहीं होगा बेटा। तुम संधि जी को फोन करके क्षमा मांग लो, वो बात को समझेंगे जी। लेकिन कहीं उन्हें ऐसा तो नहीं लगेगा कि हम लोग बहाना बना रहे हैं? नहीं नहीं बड़ी बहू, ऐसी स्थिति में भला कोई बहाना बनाता है। विशंबर बेटा फोन करो। ठीक है माँ। हाँ हाँ विशंबर हम लोग निकल ही रहे हैं घर से, मुन्ना अभी अभी आया है, हाथ मुंह धो ले फिर निकल जाएंगे। नहीं नहीं दादाजी मत निकलिए, क्षमा करें लेकिन आज मिलना नहीं हो पाएगा। ये बात है, कहीं सौरा राजी ना है? नहीं नहीं दादाजी वो बात नहीं, दरअसल उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है, तेज बुखार है। ओहो अरे ध्यान रखो उसका। दादाजी आपको बुरा तो नहीं लगा ना? के बात कर रहा है बिसंबर, यही अगर मुन्ना के साथ होता तो थारे को बुरा लगता? नहीं ना, सौर्या मारा बेटा ना है, इसमें जल्दी के है, करा लेंगे बात, आज नहीं तो कल। ठीक है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे कृष्ण दादाजी। राधे कृष्ण जी। क्या कहा दादाजी ने? कह रहे थे ख्याल रखना उसका, जब सौर्या की तबीयत ठीक ना है तो उसे मिलने से क्या फायदा। जब उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मिलवा देंगे दोनों को, ठीक है ना मुन्ना? दिन भर तो ठीक थे, ऑफिस में भी काम कर रहे थे, शाम को एक क्लाइंट से भी मिलने गए, तो फिर अचानक से क्या हो गया?
मुझे तो लगता है कि ये बुखार एक बहाना है। असली बात यही है कि वो मिलना ही नहीं चाहते, तो फिर साफ साफ ये बात कह क्यों नहीं देते? बेकार में ये बुखार का बहाना क्यों कर रहे हैं? कम से कम दूसरों का टाइम तो नहीं वेस्ट करना चाहिए ना। प्रॉब्लम मुझसे, तो फिर बाऊची और दादाजी को क्यों परे? नैतिक दादो बहाना नहीं बना रहे, उनकी तबीयत सच में खराब है। 102 बुखार है उन्हें। मेरी वर्षा से बात हुई थी, मैं सच कह रही हूँ नैतिक, प्लीज ऐसा मत सोचिए, उनकी तबीयत सच में खराब है। एकदम डेड है, चार्ज करना पड़ेगा। अरे सॉरी, उठ क्यों गए? कुछ चाहिए था? ये लेटर कल आया था, मैं आपको बताने ही वाली थी, पर इट्स ओके वर्षा, रीड कब दे रही? अरे अभी कहाँ, पहले जॉब तो मिल जाए। उसमें क्या मुश्किल है वर्षा, मुझे पूरा यकीन है कि जॉब में मिल जाएगी। अच्छा वर्षा, अब मुझे माँ बेटी दोनों को स्कूल छोड़ने जाना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ मैं भी एडमिशन ले लूँ। बस आपने एडमिशन ले लिया ना, तो हो गया मेरा काम। तो मैं यहाँ क्या करूँगा अकेला? आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये सूप पीना है, फिर आराम करना। यस टीचर। किसका है वर्षा? माँ, अक्षा का मैसेज है, उसे शौर्य की बहुत फिक्र हो रही है ना, इसलिए बार बार पूछ रही है। वर्षा, उसे कहो कि मैंने कहा है चिंता ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बात ही कर लीजिए ना, किसी ने मना तो नहीं किया। हाँ बोल अक्षरा। वर्षा सच सच बोल, दादू की तबीयत कैसी है? तू खुद ही पूछ ले।
बता दो आपकी तबीयत कैसी है? अब ठीक हूँ अक्षरा, बुखार ही तो हुआ है। आप सब लोग ऐसे बेकार में ही चिंता कर रहे हैं। आपकी आवाज से वैसा लग तो नहीं रहा है, आप प्लीज अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। गुड नाइट। गुड नाइट। कुछ कहना चाहती हैं? हेलो अक्षरा, तूने फोन किया था? हाँ सॉरी, वो अनन्या को स्कूल के लिए रेडी कर रही थी ना, इसलिए तेरा फोन नहीं सुना। कोई बात नहीं वर्षा। अच्छा ये पता दादू की तबीयत कैसी है, बुखार उतरा या नहीं? नहीं, पूरी रात बर्फ की पट्टियाँ करती रही तब भी बुखार कम नहीं हुआ है। अभी डॉक्टर आएंगे ना, देखते हैं क्या कहते हैं। तू भी ऐसे ही होगी ना रात भर, अब काश मैं तेरी कोई मदद कर पाती। ओके अक्षरा, मेरा बहुत मन कर रहा है दादू से मिलने का, पर अक्षरा मैं समझती हूँ। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, डॉक्टर आएंगे ना तो मैं तुझे बताऊंगी कि उन्होंने क्या कहा है। ठीक है चल रखती हूँ। जी मैनेजर साहब, गुड मॉर्निंग। जी कहिए। हाँ हाँ मैं बस ऑफिस के लिए निकल ही रहा हूँ। हाँ हाँ छोटी दूल्हा पानी। बहू क्या बात है बेटा, कोई परेशानी? नहीं नहीं तो भाभी माँ। नहीं तो कैसे, जरा चेहरा तो देखो अपना, साफ दिखाई दे रहा है, क्या हो बेटा? भाभी माँ वो दादू की तबीयत बहुत खराब है। तो तू एक बार जाके उसे मिलना, तेरी भी चिंता कम हो जाएगी और शौर्य को भी अच्छा लगेगा। नहीं नहीं भाभी माँ कोई बात नहीं है, वो मैं नैतिक से भी नहीं पूछ पाई कहीं उन्हें। मैं समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन तू चिंता मत कर, कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम्हारे दद्दा जी से पूछती तो वो क्या कहते, सुख में भले मत जाओ लेकिन परेशानी में कभी पीछे मत रहो, है ना छोटी दुल्हन? जी भाभी माँ। मुन्ना क्या कहेगा यही सोच रही हो ना? ले उसे फोन कर ले। ले नहीं रहे। कोई बात नहीं बेटा, कई व्यस्त होगा, वो पलट के फोन करेगा ना तो मैं बताऊंगी। हाँ जा। माँ अक्षरा का फोन आया था, शौर्य की तबीयत के बारे में पूछ रही थी। कहा तो कुछ नहीं लेकिन मुझे लगता है उसका यहाँ आने का बहुत मन कर रहा है। तो आ जाए ना, इसमें सोचने। समझ सकती हूँ मैं उसकी स्थिति, चाह के भी नहीं आ पा रही है मेरी बच्ची। हमेशा से उसकी आदत ऐसी है, पहले दूसरों के बारे में सोचती है फिर अपने बारे में। ये संस्कार भी तो तुम ही ने उसे दिए हैं बड़ी बहू, फिर दुखी क्यों होती हो? तुम्हें तो गर्व होना चाहिए अपनी बच्ची पर कि उसने हमेशा तुम्हारा मान बढ़ाया। वैसे माँ मुझे नहीं लगता कि अगर जमाइसा से अक्षरा पूछती तो उसे मना करते। कह नहीं सकते हैं काकी, क्योंकि आजकल शौर्य और नैतिक जिस मूड में रहते हैं ना, उनसे कुछ भी पूछो तो डर ही लगता है, और फिर ये तो यहाँ आने की बात है। बेटी मायके और ससुराल के बीच की कड़ी होती है, अगर दोनों घरों में सब कुछ ठीक हो तो सबसे ज्यादा खुशी उसी को होती है, और अगर उनके बीच जरा भी तनाव हो जाए सबसे ज्यादा तकलीफ भी उसी को होती है। और बेटा बहुओं को अपने ससुराल का पालन करना ही शोभा देता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं दादी।
भाभी माँ ने ही भेजा है मुझे यहाँ। ये तो बड़प्पन है उनका जो उन्होंने इस परिस्थिति में तुझे यहाँ भेजा। जीती रहे। दादू कैसे हैं? उनका बुखार उतरा या नहीं? मुझे उनसे मिलने जाना है। कहाँ है? ऊपर कमरे में है। आजा। ये काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। थक गया हूं अकेले संभालते संभालते। मैं कम इन सर। कम इन जी। सर कॉफी मंगाऊं आपके लिए? आप थके हुए लग रहे हैं। नो इट्स ओके। आपको कुछ काम था? हाँ सर। सर ये पॉइंट सर आप एक बार देख लीजिए। सर वैसे तो शरद सर का डिपार्टमेंट है पर अभी वो नहीं है इसलिए आपके पास लेके आया हूं। कोई बात नहीं लाइए। वैसे शौर्य सर को हुआ क्या है सर? अभी थोड़ी देर पहले मैंने उन्हें फोन किया था। बातचीत से तो ठीक ठाक दिख रहे थे। कम से कम बीमार तो नहीं लग रहे थे। अब हो सकता है कि मुझे कोई गलत फहमी हो गई हो। किस पॉइंट की बात कर रहे हैं आप? ये वाला सर। एक बात कहूं सर, यू आर एन इंस्पिरेशन। आपको देख के बहुत प्रेरणा मिलती है सर। आप हमेशा जुटे रहते हैं। इतनी मेहनत, इतनी डेडिकेशन, इतनी लगन मैंने आज तक किसी में नहीं देखी सर। शौर्य सर ने अगर साथ दिया होता, सपोर्ट किया होता तो बात बन जाती। बड़ी बहू तुम्हें याद है ना बचपन में अक्षरा कैसे शौर्य के पीछे पीछे चला करती थी और वो कौन सा गाना गाती थी जब शौर्य को बुखार चढ़ा करता था? हाँ माँ कुछ गाती तो थी मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। जा जा भाग जा दादू को तू मत सता। भाग जा बुखार नहीं तो होगी जम के पिटाई। तेरी वजह से मेरे दादू को खानी पड़ेगी। तो चाहती है यह रखू माथे पे ठंडी पट्टी मान ले कहना चली जा वरना माँ करेगी जोर जोर से कुटाई। बात समझ में आई? लो गई 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 गई। पगली अब क्यों परेशान हो रही है? अब तो बुखार डर के मारे भाग ही जाएगा। याद है ना बचपन में भी जब तू इसे डराती थी तो सालों साल तक लौट के नहीं आता था। दादी माँ याद है ना आप लोगों को? कैसी तबीयत है अब आपकी? तुझे देखकर तो आधी बीमारी ऐसे ठीक हो गई है। घर पे बता के आई है ना? ये रिश्ता क्या कहलाता है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।